क्लास देखिए बच्चों, आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर 17, ठीक है। मुद्रा और वित्तीय संस्था। मुद्रा इन्हें आप जानते हैं, पैसा, और ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं जो वित्त का लेन देन करती है, या हम अपने जरूरत पड़ने पर उससे ऋण लेते हैं, अपना पैसा जमा कराते हैं, तो वो संस्थाएं कौन सी है उसके बारे में। तो ये जो चैप्टर है दो हिस्से में अपन देखते हैं। तो पहला हिस्सा भी अपन लेते हैं बच्चों मुद्रा, ठीक है। तो मुद्रा जो है बच्चों, आप थोड़ा सा अगर इतिहास में जाते हैं तो जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं होती थी तो मुद्रा के जगह क्या होता था, लोगों की आवश्यकताएं तो थी, कैसे आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, तो उसके लिए वे लोग किसी और तरीके का इस्तेमाल करते थे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो वहां पे विनिमय, यहाँ एक शब्द आ रहा है विनिमय, विनिमय ना लेन देन करना, आदान प्रदान करना। तो विनिमय क्या है, पहले हम उसका अर्थ देख लेते हैं कि वस्तु और सेवा, ठीक है। कोई आपको वस्तु लेनी है, किसी से कोई आप सेवा दे रहे हैं या सेवा ले रहे हैं, उसका मुद्रा वस्तु और जो है सेवा के बदले में जो आदान प्रदान होता है उसको हम कहते हैं विनिमय, ठीक है। तो पुराने समय में तो ये जो है माध्यम हो जाते थे विनिमय के। जब मुद्रा आई, ठीक है, मुद्रा भी कई रूपों में आई। पुराने समय हम देखते हैं राजे महाराजों के समय में, उस समय मुद्रा जो है मोहरों के रूप में चला करती है, सोने की मोहरे, चांदी की मोहरे, ठीक है। या कहीं किसी राजा ने तांबे के सिक्के चलाए, किसी ने कांसे के चलाए, किसी ने पीतल के चलाए, इस तरह से मतलब अलग अलग धातुओं का, धातु के रूप में भी मुद्रा का इस्तेमाल किया गया। तो हम अभी अगर बात करते हैं भारतीय मुद्रा की, तो भारतीय मुद्रा में किसको कहेंगे अपन, क्या है भारतीय मुद्रा, तो हम कहेंगे जो हमारे सिक्के चलते हैं, ठीक है, या अभी हम जो नोट देखते हैं वो हमारे भारतीय मुद्रा। तो इसका इतिहास ही बहुत पुराना है। चीन और भारत में कहते हैं बहुत प्राचीन समय से जो है सिक्के चला करते थे, और अपना जो शेरशाह सूरी जो शासक था उसके काल में सबसे पहले कहते हैं उसने रुपया जारी किया था। तो ये जो रुपया का इतिहास है, मुद्रा का इतिहास है, उस समय समय पर हम देखते हैं उसमें कई बदलाव आते रहे। तो ये जो अपनी भारतीय मुद्रा है ये देवनागरी लिपि में इसको अपन लिखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी कि इसको लिखने का तरीका क्या है। पहले हम जो है इसको इस तरह से लिखा करते थे रुपया, और अब इसको लिखने का तरीका ये होता है इस तरह से, दो लाइनें इस तरह से बनाया और ये दो लाइन, ये रुपया का साइन। तो ये रुपये का साइन जो है ये डी उदय कुमार के द्वारा बनाया गया था, और ये हिंदी का र, ठीक है, और रोमन का जो आर होता है उसको मिलाकर के इसको बनाया गया। फिर आपने कुछ विदेशी मुद्राओं के साइन देखे होंगे, इससे डॉलर, डॉलर को कैसे लिखा जाता है, तो ये जो अफ्रीका का इसको एस इस तरह से बना करके, और ये यहाँ पर इसका साइन। ब्रिटेन में जो कौन चलती है मुद्रा वहां पे उसको ये इस तरह से साइन बनाया गया, एफ जैसे आपके बुक में लिख लीजिए इस तरह से। जो शेष यूरोप है वहां पर जो है मुद्रा इस तरह से बनाई जाती है, और ये जो है ये जापान की मुद्रा है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्रा है। हम अगर एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई किसी भी देश में जो मुद्रा चलती है वो क्यों चल पाती है, आज आप किसी शॉप में जाते हैं और रुपया की जगह कोई और मुद्रा देंगे तो वो आपकी नहीं चलेगी, एक्सेप्ट नहीं होगी, ना आप देंगे और ना ही वो लेगा, ठीक है। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि हमारे भारत सरकार ने केवल रुपये को ही मुद्रा के रूप में अधिकृत किया गया है, अर्थात गारंटर के रूप में जो हमारे यहाँ सरकार है उस मुद्रा के पीछे है। आपने नोट में देखा भी होगा, लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का अदा करने का वचन करता हूँ, इस तरह से गवर्नर के साइन होते हैं, लिखा होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर वो लिखा हुआ नहीं है तो वो नोट क्या है, नकली है। आपने देखा होगा कई नकली नोट भी चलन में आ जाते हैं। तो ये जो लिखा गया है इसका मतलब है कि सरकार जो है गारंटर के रूप में है, कोई व्यक्ति इस मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता। अगर वो नकली है तो अलग बात है, जैसे सामान्य मुद्रा है तो कोई इसको लेने से मना नहीं कर सकता। ये हमारे जो है मुद्रा का चलन है। अब ये जो मुद्रा है इसका भी स्वरूप बहुत बार बदला गया है प्राचीन समय, अभी हमने जो बात की। तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चे, मुद्रा जो है ये शब्द कैसे बना। तो मुद्रा जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मनी, तो यहाँ पर जो रोम की देवी थी मोनेटा, उनके मंदिर में जो टक्साल, टक्साल है ना जहाँ पे सिक्के बनते हैं, वहाँ
पहले टेक्सटाइल लगी थी वहां पर, और इसलिए उनके नाम पर इसको मॉनिटर, फिर धीरे धीरे बिगड़ते हुए वो मनी कहना लगे। तो यहाँ पर ये तो सिक्कों के इतिहास भी ईसा पूर्व से माना जाता है, मौर्य काल में भी ये उदाहरण मिले हैं। तो हर राजा के काल में कहीं ना कहीं मुद्रा का जिक्र किया गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो मुद्रा है, तो एक शब्द आपने अभी दो तीन साल पहले सुना होगा, विमुद्रीकरण, नोटबंदी। क्या अर्थ होता है विमुद्रीकरण का? ये तो सबको पता है कि नोटबंदी हुई थी, विमुद्रीकरण हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, पर ये होता क्या? ये होता है बच्चों कि जब किसी देश में कोई मुद्रा, प्रचलित मुद्रा जो चल रही है, उसको कानूनी वैधता मिली हुई, उस कानूनी वैधता को समाप्त करके और उस मुद्रा को चलन से बाहर कर देना, मतलब अब ये मुद्रा चलेगी नहीं, जैसे अपने यहाँ हुआ था, ठीक है, 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी, तो उसमें कुछ नोट जो है चलन से बाहर कर दिए गए थे, और नेक्स्ट 2017 में नए नोट मार्केट में आ गए थे, रिजर्व बैंक ने उसको छापे थे। तो ये विमुद्रीकरण कहलाता है, जब किसी देश में बहुत ज्यादा काला धन हो जाता है या धन कहीं स्थिर हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए सरकारें, और ऐसे कई सारे ऐसे उदाहरण है, कई देशों की सरकारों ने इसको किया। तो अब हम बात करते हैं आरबीआई की, हम बात कर रहे हैं, तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक जो इंडिया है अपना, भारत का केंद्रीय बैंक, इसने एक साक्षरता कार्यक्रम चलाया, प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरता ना, वित्त के बारे में, बैंकिंग के बारे में जानकारी देने के लिए इन्होंने एक वेबसाइट चलाई है। उस वेबसाइट में जो वांछित वर्ग है, जो लक्षित वर्ग है, उन तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाना, उनको बैंकिंग का प्रशिक्षण या उनकी जानकारी देना, तो उसके लिए बाकायदा एक आरबीआई की साइट है, वेबसाइट है, उसमें ये सारी जानकारियां दी हुई। तो प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा इसको चलाया गया। फिर हम बात करते हैं बच्चों मुद्रा का विकास, जो हमने शुरुआत में बात की थी कि मुद्रा ने कैसे नए नए रूप बदले हैं और नए नए रूप में सामने आई है, तो हम उसको देखेंगे किस तरह से, यहाँ कह सकते हैं मुद्रा का विकास या मुद्रा के चरण। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पर वस्तु विनिमय, जो भी हमने बात की थी कि पुराने समय में जब मुद्रा नहीं होती थी तो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते थे? वस्तु विनिमय ने वस्तुओं का लेन देन, पर वस्तुओं के लेन देन में एक अनिवार्य शर्त जरूरी थी कि इसमें दोहरा संयोग होना आवश्यक है, इसकी अनिवार्य शर्त है वस्तु विनिमय। और कई बच्चों का समझ में नहीं आएगा दोहरा संयोग क्या होता है। दोहरा संयोग से तात्पर्य है कि आपको, अब आपको वस्तुओं का लेन देन करना है, तो आपको जिस चीज को चाहिए, जिस वस्तु की आपको आवश्यकता है, ठीक है, वो सामने वाले व्यक्ति के पास है, ठीक है, उसको जो चीज चाहिए वो आपके पास है, तो अब दोनों लेने के इच्छुक है तभी तो सहमति होगी। एक व्यक्ति के सहमत होने से काम नहीं चलेगा, तो दोनों पक्षों की रजामंदी होगी तभी तो एक्सचेंज होगा वस्तु का। ये दोहरा सहयोग होना आवश्यक है, ठीक है, जो वस्तु विनिमय में बहुत कम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सहमति नहीं हो पाती थी। आज किसी के पास चावल है, उसको कोई और चाहिए गेहूं चाहिए, अब ऐसे व्यक्ति को देखेगा जिसको चावल की आवश्यकता और वो उसको गेहूं दे दे, अब कई बार तो सहयोग बैठ जाता है, कभी नहीं बैठता। तो पहली समस्या इसमें क्या वस्तु विनिमय में कि दोहरा संयोग नहीं हो पाता, उसका भाव है। दूसरा, मूल्य का मापन नहीं हो पाता है। अब किसी के पास महंगी वस्तु है उसको सस्ती चाहिए, ठीक है, या किसी के पास सस्ती वस्तु है उसको महंगी वस्तु कहना है, तो मूल्य का निर्धारण कैसे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। तीसरी बात थी अविभाजिता के, मतलब विभाजन ना हो पाना। अब हम इसको अगर पशुओं से जोड़ के देखें, किसी के पास घोड़ा है, उसको कोई छोटा जानवर चाहिए, बकरी चाहिए, तो कैसे माप, भार भी समान नहीं है, ठीक है, और मूल्य भी समान नहीं है, आप घोड़े को आधा तो काट नहीं सकते, तो ये विभाजन कैसे हो, ये समस्या वस्तु विनिमय में थी। तो हम जब देखते हैं कि कहीं समस्या है तो उसका नया रूप सामने आता है, उसका हल। तो जब वस्तु विनिमय में इतनी समस्याएं थी तो कौन सी मुद्रा चलन में आई? धातु मुद्रा। जब हमने बात की थी कि राजा महाराजाओं के समय में और बाद में भी धातु मुद्रा चली, इसमें भी बच्चों कई सारे दोष थे। सबसे पहले तो धातु की है, ठीक है, तो धातु मिलना उस तरह की, क्योंकि सारे देश में एक सी भी चलेगी तो धातु की रिक्तता होना, फिर इस धातु का भारी होना, मतलब इससे बने हुए सिक्के बहुत भारी होते थे, फिर इनको गलाना, धातु इसको गलाना मुश्किल होता था, टाइम लगता था इसको बनाने में, ये मुद्रा भारी भी होती थी, इसका हस्तांतरण भी कठिन होता था, ठीक है, इसको लाने ले जाने में परेशानी होती थी।
तो ये इसकी समस्या है और तुरंत पूर्ति भी संभव नहीं है कि आज मान लो सिक्के कम हो गए, जरूरत है तो कहाँ, पहले तो धातु गलेगी, फिर गलने के बाद उसको आकार दिया जाएगा, उसका नाम देखा जाएगा। आज अगर अपन जो सिक्के देखते हैं तो बच्चे इन सबके एक सांचे होते हैं, सांचे में इनकी पूरी मोटाई गोलाई जो है इसकी, ठीक है, कितने वजन की होगी, ये सब देखा जाता है। और बिल्कुल सही माप हो, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ नहीं, फिर वो उसको बाहर हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। कभी आपने देखा होगा गलती से कोई सिक्के आ जाते हैं हमारे पास, किसी मोहर सही नहीं होती है या कहीं कोई कोना टेढ़ा मेढ़ा, कई बार ऐसी गलती हो जाती है जब भी टेक्सटाइल में जहां भी बनते हैं, तो इस तरह में समस्या आती है। तो इस समस्याओं के हल के लिए फिर एक नई मुद्रा और आई, पत्र मुद्रा। जो भी हम चलन में देखते हैं पत्र मुद्रा नोट, इसमें फायदे क्या आते हैं, एक तो हल्की है, ठीक है, कहीं भी लाई ली जा सकती है, मतलब इसका हस्तांतरण जो है वो आसानी से हो सकता है, हल्की है तो इसको लाया ले जा सकता है कहीं पर भी, ज्यादा ताकत में भी लाया ले जाया जा सकता है, और इसकी तुरंत पूर्ति भी संभव है। क्योंकि आपने देखा होगा नोटबंदी के दौरान दिन रात जो है सरकार ने नोट छापे थे ताकि मार्केट में नोटों की कमी ना हो, तो ये तुरंत इसकी पूर्ति भी संभव है। फिर आधुनिक मुद्रा आई, इसके बाद अभी अपन देखते हैं, इसी में हालांकि पत्र मुद्रा में ही है वो, कि जैसे आजकल अपन देखते हैं क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, कैशलेस जो अपना हो गया है, तो ये भी क्या है, एक मुद्रा का ही रूप। ये क्या हो गया, मुद्रा के विभिन्न चरण। फिर हम बात करते हैं कि मुद्रा जो है उसके कार्य क्या है, मुद्रा क्या क्या कार्य करती है। सबसे पहला कार्य तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, विनिमय का कार्य, विनिमय का माध्यम मुद्रा है। अगर अपन कहते हैं कि वस्तु विनिमय में जो दोहरा सहयोग था, आवश्यकता, उसको किसने खत्म किया, मुद्रा ने। क्योंकि मुद्रा आ गई तो आप दोनों के पक्षों की सहमति की आवश्यकता ही नहीं, आप मुद्रा देकर के कोई वस्तु नहीं ले सकते, ठीक है, तो विनिमय का माध्यम है, लेन देन का माध्यम हो गया ये। फिर मूल्य का हस्तांतरण इसमें हो जाता है, इजीली जो है आपको कम मूल्य की वस्तु लेना, ज्यादा मूल्य की या जैसा भी है, तो आप मूल्य को आपस में हस्तांतरित कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें अपन एक बात देखते हैं कि ये जो रुपए है इसका मूल्य खुद परिवर्तित होता है, तो हम देखते हैं रुपए का मूल्य जो है कभी गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो ये मूल्य भी इसका जो है वो परिवर्तित होता रहता है। साख का आधार, हम कोई भी ऋण लेते हैं, ठीक है, तो हम इसमें कोई भी किसी तरह का भुगतान कर देते हैं, ऋण का भुगतान भी कर देते हैं, हम विलंबित भुगतान भी कर देते हैं, मतलब हम बाद में जैसे ऋण लेते हैं तो ऋण तो लिया जाता है क्योंकि हम उसका भुगतान बाद में करते हैं, तो ये स्थगित भुगतान भी किसके द्वारा किए जाते हैं, ये जो विलंब से भुगतान किए जाते हैं उसको स्थगित भुगतान कहते हैं, ये भी किसके द्वारा होते हैं, मुद्रा के द्वारा ही होते हैं। इससे पूंजी को गतिशीलता भी मिलती है, ये हम एक अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं मुद्रा की क्या भूमिका होती है। जैसे भी हमने पहले देखा कि मुद्रा के कार्य में विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है ये, ठीक है, कि अमेरिका के भी मूल्य से तय किया जाता है, हालांकि इसका खुद का मूल्य जो परिवर्तित होता रहता है। अभी हमने विलंबित भुगतान का देखा, विलंबित भुगतान मापक के रूप में। अभी हम ये जो देख रहे हैं अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका, उसमें हमने ये पॉइंट्स देखे थे, मूल्य का हस्तांतरण, साख का आधार, पूंजी को गतिशीलता, बचत और निवेश। निवेश आप जानते हैं, इन्वेस्ट करना, बचत भी किसके रूप में होती है, मुद्रा के रूप में होती है। तो ये बचत निवेश भी कहाँ भूमिका निभा रही है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में। फिर मूल्य का भंडार तो है ही, जो मूल्य है, भंडार से तात्पर्य है कि जो मुद्रा है उसमें क्रय शक्ति है। अगर हमारे पास मुद्रा है तो हमको पता है इस मुद्रा से हम कितना क्रय कर सकते हैं, कितनी शक्ति हमारे पास है। तो उपभोक्ता का संतुष्टि मिलती है, कल्याण का कारक है, क्योंकि उपभोक्ता जो है पूंजी के रूप में मुद्रा रखता है, बचत के रूप में मुद्रा रखता है, ठीक है, विनिमय के रूप में मुद्रा है, हर जगह कहाँ आ रही है, मुद्रा आ रही है। आपको कोई चीज खरीदना है तो मुद्रा है, कोई चीज आप बेच रहे हैं तो मुद्रा मिलेगी आपको, तो इस तरह से मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। उत्पादन में भूमिका, अब उत्पादन में बच्चों दो चीजें आएंगी, विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन। विशिष्टीकरण यानी जब किसी विशेष वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उस उत्पादन के लिए श्रम को विभाजित कर दिया जाता है अलग अलग इकाइयों में, तो वो हो जाता है श्रम विभाजन। विशिष्टीकरण जब किसी विशेष चीज का वस्तु का उत्पादन होता है तो इससे क्या होता है, मूल्य में वृद्धि होती है, उच्च स्तर तक जो है इसका मूल्य पहुंचता है, उपभोक्ता को भी लाभ होता है, तो ये विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन इसमें हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वस्तु को जो है इसमें इसकी भूमिका जो होती है उत्पादन में महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकारों के द्वारा जो बड़े बड़े सार्वजनिक व्यय किए जाते हैं या जो व्यापार किया जाता है, ठीक है, पैसा लगाया जाता है व्यापार में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े सौदे होते हैं इसमें मुद्रा।
उस मुद्रा के माध्यम से, आज मान लीजिए हम किसी से कोई चीज लेते हैं किसी देश से या किसी देश को देते हैं आयात निर्यात में, तो वो मुद्रा के माध्यम से ही कार्य होता है। और सरकार जितने भी व्यय करती है, सार्वजनिक व्यय करती है, निर्माण के कार्य करती है, उसमें भी व्यय करने में मुद्रा का रूप सामने आता है। तो यहाँ पे पूरा जो हम देख रहे थे बच्चों मुद्रा के जो कार्य और अर्थव्यवस्था भूमिका, तो हमने यहाँ पे मुद्रा का विकास देखा विभिन्न चरणों में। फिर मुद्रा के कार्य देखे, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, विलंबित भुगतान का मापक भी यही है, और एक अर्थव्यवस्था में निम्न पॉइंट के आधार पर इसकी भूमिका होती है, जिससे हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे बच्चों हम जो इसका पढ़ेंगे वो हम देखेंगे, जब हमने बात की थी ऋण की बात की थी साख, ठीक है, साख और बचत क्या है और जो विभिन्न वित्तीय संस्थाएं हैं वो कैसे कार्य करती हैं, उसका अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आप अपने बुक में भी इसको देख लीजिएगा, बुक में भी सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, इनके आधार पे आपको मुद्रा के कार्य और मुद्रा की जो भूमिका है, मुद्रा के विकास, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो अगले लेक्चर में हम बचत के बारे में और साख के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ उदाहरण भी होंगे। उस उदाहरण से आपको एक कहानी जैसी पता चल जाएगी कि कैसे तीन चार परिवारों में जो है मुद्रा ने क्या रूप दिखाया, कहीं मुद्रा आवश्यकता से ज्यादा है तो वो उसका क्या करते हैं और कहीं किसी को आवश्यकता है तो वो क्या करेगा। तो एक छोटे से उदाहरण से हम इसको आज अपनी बात को खत्म करते हैं कि मान लीजिए आज किसी को पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, अपने बच्चों को आगे पढ़ाना, पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा ऋण के लिए? या तो जिसके पास जो ज्यादा पैसा है गांव में है तो अपने जमींदार से साहूकार से इससे लेगा वो अनौपचारिक स्रोतों से, या बैंक में खाता है तो बैंक में जाकर के वो ऋण की डिमांड कर सकता है, ठीक है, ले सकता है, एजुकेशन लोन ले सकता है या कोई भी और लोन वो ले सकता है, उसको जो है अपने चुकाना पड़ेगा, कैसे चुकाएगा वो बड़ी बात है। तो हम क्या सिंपल ये बात करें कि किसी को अतिरिक्त धन की आवश्यकता है तो वो बैंक गया, अब किसी के पास अतिरिक्त धन है तो वो भी बैंक जा रहा है क्योंकि वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो जो अतिरिक्त धन वाले व्यक्ति ने अपना जो पैसा जमा किया वही पैसा किसके काम आया, जिसको अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी, तो एक तरह से वो पैसा क्या हो गया, किसके रूप में चला गया, ऋण के रूप में चला गया। तो ये जो बीच का ये जो माध्यम बना वो कौन बना, बैंक बना। तो बैंक क्या कर रहा है, एक जिसके पास आवश्यकता से ज्यादा धन है उस धन को किसके रूप में दे रहा है, जिसको आवश्यकता है इस धन की उसको एक ऋण के रूप में प्रदान कर रहा है। तो दोनों की ही आवश्यकताओं की पूर्ति वहां पर हो रही है। तो इसके बारे में हम अगले इसमें लेक्चर में चर्चा करेंगे।